केशव नगर राज्य का राजा राजा अजीत सिंह एक दयालु राजा था। उसका मंत्री भैरव सिंह अंदर ही अंदर राजा से बहुत जलता था। मंत्री भैरव सिंह के साथ उसके ही जैसा कपटी इंसान कहर सिंह हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन भैरव सिंह कहर सिंह के साथ केशव नगर के जंगल में एक सुंदर वृक्ष के नीचे खड़ा था कि तभी कहर सिंह भैरव सिंह से बोला, मुझे तो लगता है कि आपका सपना राजा बनने का अधूरा रह जाएगा। अजीत सिंह की प्रजा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अपने मुंह से कभी तो शुभ बातें निकाल लिया कर। जिस दिन मुझे मौका मिल गया उस दिन मैं राजा अजीत सिंह को मार कर उसका राज्य हथिया लूंगा। लेकिन कैसे? इस बात को सुनते हुए मुझे 10 वर्ष हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और अब तो राजा अजीत सिंह की पत्नी भी गर्भवती है। अगर उसका पुत्र हो गया तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। तेरी बुद्धि तो लोमड़ी से भी ज्यादा तेज चलती है, कोई उपाय बता। सुना है राजा अजीत सिंह ने अपने एक जादूगर दोस्त को राज्य में आमंत्रित किया है। आप उसे अपनी बातों में ले लीजिए। अगर वो आपके साथ हो गया तो राजा अजीत सिंह की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। कहर सिंह की बात सुनकर मंत्री भैरव सिंह के होठों पर एक कपटी मुस्कान आ गई। राजा नहीं जानता कि मैं राक्षस का पुजारी हूँ, जीतूंगा तो मैं ही। कुछ दिनों बाद राजा अजीत सिंह की पत्नी रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सारे राज्य में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। राजा प्रसन्न होते हुए अपने दास दासियों से बोला, महल में एक बहुत बड़ा समारोह होगा। मैं अपने बचपन के दोस्त कन्हैया को महल में आमंत्रित करूंगा। कन्हैया एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके जादू का तोड़ आज तक कोई नहीं निकाल सका। तभी मंत्री भैरव सिंह अपने साथी कहर सिंह के साथ वहां पहुंचा और बोला, पुत्र होने की बहुत बहुत बधाइयां महाराज, लेकिन आपने अभी तक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा। मैं अपने पुत्र को वीर बनाऊंगा, उसे युद्ध कला में निपुण कर दूंगा, वो सम्राट बनेगा। इसीलिए मैंने अपने पुत्र का नाम वीरदेव रखा है। सुना है आपने अपने जादूगर मित्र कन्हैया को भी आमंत्रित किया है। हाँ मंत्री भैरव सिंह, तुम भी हमारे साथ केशव नगर की सीमा में उसका स्वागत करोगे। इतना बोलकर राजा अजीत सिंह वहाँ से चला गया। भैरव सिंह मुस्कुराता हुआ अपने साथी कहर सिंह से बोला, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ राजा यही है। वो कैसे मंत्री जी? जिसका दोस्त इतना बड़ा जादूगर हो वो सिर्फ केशव नगर का ही राजा बना हुआ है। ये मूर्ख राजा अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं जानता। कोई बात नहीं मंत्री जी, एक बार इसका दोस्त कन्हैया अगर तुम्हारे साथ मिल जाए तो ये शुभ काम आपके ऊपर ज्यादा शोभा देगा। शाम के वक्त पूरे महल में केशव नगर के वासी जमा थे। राजा अजीत सिंह केशव नगर की सीमा जो एक घने जंगल में स्थित थी अपने सैनिकों और मंत्री के साथ खड़े हुए थे। तभी कन्हैया एक घोड़े पर सवार होकर वहां आ गया। राजा अजीत सिंह ने अपने दोस्त कन्हैया को गले लगा लिया और अपने मंत्री भैरव सिंह से बोले, यही मेरा दोस्त कन्हैया है। आप तो बोल रहे थे महाराज कि ये बहुत बड़े जादूगर हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता नहीं कि इन्हें जादू का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा। अरे इसके भोले चेहरे पर मत जाओ, ये चाहता तो अपने जादू के शक्ति के जोर से बड़े बड़े राज्य हासिल कर सकता था, मगर मेरा दोस्त लालची नहीं है। मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन मुझे इनमें कोई जादू नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही। कन्हैया मुस्कुराता हुआ भैरव सिंह की ओर देखकर बोला, तुमने मेरा जादू देखा नहीं है, अब तो मुझे तुम्हें अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्त के पुत्र को देखना चाहता हूँ। चलो कन्हैया महल चलते हैं। सभी लोग महल पहुँच गए। महल में राजा के कमरे में जाते ही दासियां राजकुमार वीरदेव को गोद में उठाकर कन्हैया के पास ले आईं। कन्हैया ने अपना हाथ जैसे ही राजकुमार के माथे पर रखा, राजकुमार का पूरा शरीर पीली रोशनी से नहा गया।
अचानक राजकुमार की आंखें नीली होना शुरू हो गईं और कुछ देर बाद सामान्य हो गईं। ये देखकर मंत्री भैरव सिंह हैरत में पड़ गया। ये क्या किया तुमने कन्हैया? मैंने अद्भुत शक्तियाँ राजकुमार के शरीर में डाल दी है। मैंने अपने जादू की शक्ति से इनके दिमाग में युद्ध कला भर दी है और असीम जादू भी। और तो और, राजकुमार अब बड़े होकर उड़ भी सकेंगे और इनका मुकाबला बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं कर पाएगी। कन्हैया की बात सुनकर भैरव सिंह का मंत्री कहर सिंह भैरव सिंह के कान में धीरे से बोला, इसने तो राजकुमार के शरीर में जादुई शक्तियाँ डाल दी है, अब क्या होगा? चिंता मत करो, अभी रात बाकी है। भैरव सिंह मक्कारी से मुस्कुराता हुआ कन्हैया की ओर देखकर बोला, ये तो राजकुमार जब बड़े हो जाएंगे तभी पता लगेगा कि इनके अंदर जादुई शक्तियाँ आई है या नहीं। मुझे तो आपका अभी जादू देखना है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा जादू क्यों देखना चाहते हो। तो बताइए क्यों? क्योंकि तुम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो। बोलो, क्या देखना चाहते हो? क्या आप मुझे हवा में उड़ा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कन्हैया राजा और मंत्री सहित महल के बाहर एक बगीचे में आ गया। बगीचे में आकर कन्हैया ने अपना हाथ घुमाना प्रारंभ कर दिया। हाथ घुमाते ही उसके हाथ से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं और देखते ही देखते बहुत सुंदर कालीन कन्हैया के हाथ में आ गई। कन्हैया ने उस कालीन को जमीन पर बिछा दिया। इस कालीन पर खड़े हो जाओ भैरव सिंह। भैरव सिंह कालीन पर खड़ा हो गया। कालीन भैरव सिंह को लेकर हवा में उड़ गया और बगीचे के चक्कर लगाने लगा। भैरव सिंह बुरी तरह से डर गया। मुझे नीचे उतारो कन्हैया, कहीं मैं गिर ना जाऊं। घबराओ मत भैरव सिंह, ये कालीन तुम्हें गिरने नहीं देगी। इस पर तुम पहली बार खड़े हो, अब से ये तुम्हारा ही आदेश मानेगी। ये सुनकर भैरव सिंह बेहद प्रसन्न हो गया। उसने कालीन की ओर देखकर कहा, मुझे नीचे उतारो। इतना बोलते ही कालीन भैरव सिंह को नीचे लेकर आ गया और अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। ये कालीन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है मंत्री। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया मेरी जादूगरी की कला पर। बिल्कुल, महाराज ने सही कहा था, आपके जादू का कोई तोड़ नहीं। कन्हैया राजा अजीत सिंह के साथ मुस्कुराता हुआ महल वापस चला गया। रात के समय कन्हैया राजा अजीत सिंह से कुछ बातचीत कर रहा था कि तभी अचानक भैरव सिंह अजीत सिंह के पास पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कन्हैया को आपका महल दिखाने ले जा सकता हूँ? ठीक है मंत्री जी, आज तक कन्हैया ने मेरा महल नहीं देखा। कन्हैया, क्या तुम महल देखना चाहते हो? राजा अजीत सिंह की बात सुनकर कन्हैया मुस्कुरा कर उठकर खड़ा हो गया। चलिए मंत्री जी। भैरव सिंह कन्हैया को महल के कारागार की ओर ले गया, जहाँ पर कुछ कैदी जेल में बंद थे। ये तुम मुझे कहाँ लाए मंत्री? इन कैदियों को देख रहे हैं आप? पुत्र होने की खुशी में राजा अजीत सिंह ने इन सभी कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन मैंने अभी तक इन कैदियों को आजाद नहीं किया। अगर राजा ने इन बेचारे कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है तो तुम्हें इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। बस एक जादू मैं अपनी आँखों से और देखना चाहता हूँ। अगर आप इस कारागार के ताले को अपने जादू से खोल दें तो फिर मैं आपको लोहा मान जाऊंगा। ये तो बहुत मामूली काम है। इतना कहकर कन्हैया ने फिर से अपना हाथ घुमाया। हाथ घुमाते ही कन्हैया के हाथ से पीले रंग की किरणें निकलकर चारों ओर फैल गईं। कुछ ही क्षणों में ताले अपने आप खुल गए और वो सारे कैदी बाहर निकल आए। आपको ये जादू की कला किसने सिखाई है? मेरी कलाई में ये सोने का कड़ा देख रहे हो? सारा जादू इसी कड़े में है। कन्हैया ने इतना बोला ही था कि तभी भैरव सिंह ने एक जोरदार मुक्का कन्हैया के मुंह पर जड़ दिया। भैरव सिंह के अचानक प्रहार से कन्हैया संभल नहीं पाया, वो जमीन पर गिर गया। कन्हैया के कुछ समझने से पहले ही बहुत फुर्ती से भैरव सिंह ने कन्हैया की कलाई से कड़ा उतार कर अपनी कलाई में पहन दिया। ये क्या बदतमीजी है मंत्री, मुझे मेरा कड़ा वापस करो। वो तो मुमकिन नहीं है मूर्ख। भैरव सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी चील उड़ती हुई वहाँ आ गई और कन्हैया की ओर देखकर इंसानी भाषा में बोली, देखते क्या हो कन्हैया, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। इतना कहकर वो चील वहाँ से उड़ती हुई चली गई।
मगर अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। कन्हैया सबकी नजरों से अचानक गायब हो गया। आखिर कौन थी वो चील जो इंसानी भाषा में बात कर रही थी? कन्हैया का जादू समाप्त होने के बावजूद उसके गायब होने का क्या रहस्य है? आखिर कौन है कन्हैया? ये सब जानने के लिए इसका अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।